नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा, आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सा ऑल्टरनेटर है जो कि मैं चेंज कर रहा हूँ जापानीज ऑल्टरनेटर के बजाय। तो मुझे ये ऑल्टरनेटर जो है वो 700 में मिल गया। तो जैसा कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा, वो ऑल्टरनेटर अलग था, वो जापानीज था, वो उसका जो पार्ट थे वो काफ़ी महंगे थे। तो ये जो है ये लूकस और टीवीएस का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसके पार्ट्स भी काफ़ी सस्ते हैं और आसानी से मिल भी जाते हैं, तो मैं इसे ही जो है लगाने जा रहा हूँ। इसका जो वोल्टेज है ये भी थोड़ा सा पिछले ऑल्टरनेटर से थोड़ा ज़्यादा भी है। तो अगर मैं इसमें अगर थोड़े से ज़्यादा पावर के अगर कोई इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करता हूँ तो गाड़ी जो है आराम से इतना पावर होल्ड कर लेगी। तो अब चलिए इसको अब जो है अब गाड़ी में इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि इसको वापस कैसे लगाया जाता है, और क्योंकि वापस लगाते समय बेल्ट को टाइट करना होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसकी जो वायरिंग है मैंने लगा दी है। तो अब जो है मैं इसको टाइट करने के लिए इसके सारे बोल्ट निकाल लूँ बाहर। देखिए बोल्ट, दो बोल्ट हैं, उसको निकाल लूँ। इसको पहले फंसा लें क्योंकि इस ऑल्टरनेटर जो है मैंने चेंज कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको मैंने लगा दिया है, बेल्ट भी लग गई है, इसका एडजस्टर है, ये भी एडजस्ट है, फिर भी अभी थोड़ा सा तो इतना रहता है। अभी कोई बड़ा सा लीवर होता तो ये और टाइट होता पीछे खींचने पे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बैटरी जो है अभी भी चार्ज नहीं हो रही है, हो सकता है ये वायरिंग फॉल्ट हो। अब ये वायरिंग फॉल्ट ही लग रही है कि अल्टरनेटर नहीं ख़राब है, बल्कि जो है कि मेरा वायरिंग फॉल्ट आ रहा है इसमें। अब ये चेक करना है कि वायरिंग फॉल्ट आ कहाँ से रहा है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ऑल्टरनेटर जो लग गया है, बेल्ट लग गया है। अब ये चार्ज कर रहा है कि नहीं, तो आप इसको बैटरी टर्मिनल को निकालिए। गाड़ी स्टार्ट है, इसमें बैटरी चार्जिंग हो रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।